तहसीलदार साहब, क्या प्रोग्राम था जी यहाँ पे बादशाहपुर में? निराला जी, जैसा आपने देखा होगा कि एक तो जागरूकता कार्यक्रम रहेगा, एक नंबरदार एसोसिएशन, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्व विभाग में सबसे प्रमुख कड़ी नंबरदार होते हैं, तो इनसे भी एक रूबरू होने का मौका था इसी बहाने। और अभी टीम बाजार में जाएगी और जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी कोविड 19 के बारे में। हमारा मानना है कि अभी हालांकि नॉलेज सब लोगों को हो चुकी है, लेकिन इसमें बार बार याद दिलाया जाना जरूरी है, क्योंकि व्यवहार में बदलाव बहुत मुश्किल होता है और इसमें बार बार लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। एक बच्चे को एक माँ बहुत लंबे टाइम में सिखा पाती है, और हम सब तो एक उम्र हो चुकी है, तो उसमें लोगों को एक व्यवहार में लगातार बदलाव आ जाए उसके लिए जागरूकता कार्यक्रम सिविल डिफेंस टीम चला रही है, जिसको नंबरदार एसोसिएशन भी सपोर्ट कर रही है। तो ये पहला अभी जागरूकता अभियान है बादशाहपुर में, इससे पहले आप कहीं कर चुके हैं? बादशाहपुर में आज टीम पहली बार आई है। वैसे रूटीन में जो बादशाहपुर की जो स्लम्स एरिया था उसमें सिविल डिफेंस की टीम ने खाना दिया था कुछ लोगों की तरफ से, चूँकि हमें सैनिटेशन किट भी मिली थी, वो चीज़ें भी आई थी, लेकिन सिर्फ जागरूकता कार्यक्रम आज पहली बार है बादशाहपुर में। लेकिन गुड़गांव में कार्यक्रम लगातार चल रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में टीम जाके काम कर रही है। कितने लोग हैं आपके सिविल डिफेंस में जो काम कर रही हैं आपके साथ? सिविल डिफेंस की टीम में करीब 250 लोग अभी काम कर रहे हैं। कोविड के दौरान ये संख्या बढ़ी हुई थी, लेकिन चूंकि अब लोग काम अपने काम पे लौट चुके हैं तो थोड़े से कुछ साथी आ पाने में उनके लिए मुश्किल हो रही है, लेकिन अभी भी 250 के करीब लोग काम कर रहे हैं, जो अपने अपने इलाकों में जब टीम जाती है कोई कार्यक्रम करती है तो वहाँ इकट्ठे होते चले जाते हैं। अभी जो सिविल डिफेंस की टीम आपके नेतृत्व में काम कर रही है, जो लोग गरीब लोगों को, ज़रूरतमंदों को कुछ राशन भी देते हैं या कुछ और सामान भी देते हैं, ये सामान का आपको कहाँ से किस तरह से उपलब्ध होता है? ये सब गुड़गांव के लोगों का दिया हुआ है, जैसे कुछ फीड इंडिया एक ग्रुप रहा हमारे लिए, गावड़ कंस्ट्रक्शन एक ग्रुप रहा, इन लोगों ने ये कहा कि भैया हमें सामान बांटना है, लोगों तक पहुंचाना है, आपके पास टीम है तो हम आपके मार्फत हैं, तो हम सिर्फ बांटने वाले हैं, देने वाला अलग अलग एनजीओज हो सकते हैं, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है। जैसे बाटा ने 500 किट बंटवाई थी, इसी प्रकार से अलग अलग लोगों से, अलग अलग संस्थाओं से ये चीज़ें आ रही हैं। तो अब ये जागरूकता अभियान सिर्फ बाज़ार में है या आप कुछ लोगों लगभग हम 2 घंटे का कार्यक्रम रहता है और इसमें जितना ज़्यादा एरिया कवर हो सकता है वहाँ तक हम जाने की कोशिश रहती है। आमतौर पे हम वहाँ जाते हैं जहाँ पे पब्लिक का इंट्रैक्शन ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ संभावना बढ़ जाती है इस बीमारी के फैलने की, तो वो हमारे फोकस में सबसे ज़्यादा वो जगह होती है। ठीक है, थैंक यू जी। अभी आप सुन रहे थे मनीष यादव जी, जो तहसीलदार हैं वजीराबाद के। इनका कहना है कि जो हमारी सिविल डिफेंस टीम जो है वो जागरूकता अभियान के लिए बादशाहपुर में आई है, लोगों को हम समझाएंगे कि इसे कोविड 19 या कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, किस तरीके से हम सावधानी बरत सकते हैं। और लगातार इनका कहना है कि सिविल डिफेंस की टीम शुरुआत से ही लोगों की हेल्प करती आ रही है और आखिर तक, जब तक उनसा ये कोरोना को यहाँ से भगा नहीं देंगे देश में, जब तक ये लोगों की सेवा करते रहेंगे। मैं प्रदीप निराला, तहलका हरियाणा, बादशाहपुर।